नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन की पापड़ी बनाएंगे। इस पापड़ी को आप कच्चे पपीते के संभार के साथ, तली हुई हरी मिर्च और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी को एंड तक देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो देखते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैं हाफ कप पानी डालूंगी। अब मैं इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालूंगी। यहाँ पर मैंने मूंगफली के ऑयल का यूज किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो हाफ कप पानी और ऑयल मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट में ये जो बड़ा वाला कप होता है, ये 125 ग्राम का, इससे आधी क्वांटिटी का जो कप है उसका यूज करके ऑयल और पानी लिया है। आप कोई भी एक कटोरी को सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून पापड़ खार। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है, कि आपके वहां नहीं मिलता है, तो आप इसकी जगह पर बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पापड़ खार से रिजल्ट बढ़िया आता है। अब हम इस दोनों को हैंड मिक्सर से अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये व्हाइट कलर का एकदम थोड़ा थिक जैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको मिक्स किया तो ये व्हाइट कलर का बेस रेडी हो गया है। मैं चम्मच से भी आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो इस तरह से व्हाइट थोड़ा थिक कलर का लिक्विड रेडी हो जाएगा। अब हम इसको साइड में करके एक बड़ा बाउल लेंगे। तो बड़े बाउल के अंदर मैं 2 कप बेसन डालूंगी। मैंने पहले जो आपको कप दिखाया था ना, वो कप है 125 ग्राम का, ये कप है। तो वजन में देखा जाए तो 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है और इससे आधा हमें पानी और तेल लेना है। बस यही मेजरमेंट है। तो बेसन के अंदर हमने जो ये लिक्विड रेडी किया था ना, वो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बेसन को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है। अगर आपको जरूर पड़े तो आप थोड़ा पानी का यूज भी कर सकते हैं। बेसन जब अच्छे से मिक्स हो जाता है ना और पापड़ी बनाने लायक हो जाता है इस बेसन को, तो उसका कलर है ना व्हाइट हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये पापड़ी बनाने के लिए परफेक्ट आटा रेडी है। तो आप देख सकते हैं पहले का कलर और अब का कलर, अभी थोड़ा ये व्हाइट जैसा हो गया है। तो इसको हम साइड में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है संचा। इस संचे से हम पापड़ी बनाएंगे। इस संचे से 6 तरह से हम अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। बारीक सेव, मोटी सेव, चक्री, वैसे हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं। इसके अंदर ये जो है ना, वो जाली अलग अलग तरह की 6 आती है। तो ये पापड़ी बनाने की जाली है, बीच से थोड़ा लंबा कट है। तो मैं इसे पापड़ी बनाऊंगी। अंदर की साइड संचे की जो है, उसको भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि बेसन यहाँ पर चिपके नहीं। अब चम्मच की सहायता से मैं जो हमने बेसन का ये आटा रेडी किया है ना, वो इस संचे के अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद हम संचे को बंद कर देंगे। दूसरी साइड मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इस संचय को बंद कर देंगे। ये जो हैंडल है ना ऊपर की साइड, उसको हम गोल गोल घुमाएंगे ना, तो नीचे की ओर से पापड़ी गिरती जाएंगी। तो हमें ये प्रोसीजर डायरेक्ट ऑयल के अंदर ही करना है। मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगी बाहर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पापड़ी गिर रही है। मैं ऊपर से जो मशीन का हैंडल है इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। तो इसको हमें डायरेक्ट गर्म ऑयल के अंदर ही पाड़ना है। तो ऑयल को मैं चेक कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसके अंदर आटा डाला, थोड़ी देर के बाद वो ऊपर की ओर आया, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह का हमें हल्का सा गर्म ऑयल चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एकदम ज्यादा ऑयल गर्म चाहिए, नहीं,
जैसे ही हम डाले धीरे से ऊपर की ओर आटा आना चाहिए। तो गैस मीडियम करके हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी पापड़ी को फ्राई कर लेंगे और मशीन के अंदर से आटा जब खलास हो जाएगा तो हम उसी मशीन के अंदर संचय के अंदर दूसरा आटा जो बचा हुआ है वो डाल के फिर से पापड़ी पड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी पापड़ी को फ्राई करती जाऊंगी और एक बर्तन के अंदर निकालती जाऊंगी। जब पापड़ी ठंडी हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया, इसका टेस्ट परफेक्ट है। जैसे बाहर से लाते हैं ना वैसे ही ये बनी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, पापड़ी मैंने सारी फ्राई कर ली है और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको मुट्ठी में लेती हूँ इसका चूरा हो जाता है, मुंह में जाते ही घुल जाए, ऐसे एकदम सॉफ्ट पापड़ी बनके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।